बेमेतरा जिले के बिरनपुर की घटना के बाद रविवार को मिले दो अज्ञात लोगों के शव की पहचान कर ली गई है, जिन्हें प्रशासन की मौजूदगी में परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रविवार को मिले ये दोनों शव उसी परिवार के हैं जिनके यहां बंद के दौरान उपद्रवियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। बताया यह भी जा रहा है कि परिवार के अन्य सदस्य अभी भी लापता हैं। जिले के 45 किलोमीटर दूर बीरमपुर गांव है और गांव में देख सकते हैं किस तरह से तब्दील हो गए हैं और कहीं लगातार देखें एक पर एक। अभी कुछ दिन पूर्व भी एक गाड़ी को भी आग लगाया गया था और कहीं कल की कहीं बात करें तो लगातार दंगा थमने का नाम नहीं ले रहा। वही एक घर को भी आग लगाया था जहाँ पे सिलेंडर फटा था और उसी घर का परिवार बताया जा रहा है रात्रि में बकरी चराने के लिए एक बाप और एक बेटे वहां पे गया हुआ था। वहां पे एक लाश मिला है और वही एसपी द्वारा दो लाश का पुख्ता किया गया, यहां पोस्टमार्टम कर गांव में भेज दिया गया। और देखे तो यहां आईजी द्वारा हजारों के तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहां गांव में परिवारजनों से मिलने के लिए किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, एक दो लोगों को भी भेजा जा रहा है। और वही लगातार देखे तो बेमेतरा जिले के अलग अलग काफी संख्या में बढ़ रहे हैं। वही अभी राजनीतिक पार्टी का भी कहीं बात करें तो अभी दुर्ग लोकसभा सांसद भी पहुंच रहे हैं, यहाँ का किसान नेता भी पहुंच रहे हैं, प्रजा से मिलने के लिए अलग अलग समुदाय के लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से घटना हुआ है वो पूरा देखने को मिल रहा है। जी दुर्गा प्रसाद सेन, बेमेतरा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।